हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। एंड अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे जाना है अपने एनोमली स्कैन के लिए। 12 से 2 का टाइम है मेरा, 12 बज गए हैं। वर्मा जी का फ़ोन आया था कि फटाफट से रेडी हो जाओ, वो आ रहे हैं लेने के लिए। एंड आज मैं पहला स्कैन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलते हैं। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं चेंज करके और फिर निकलते हैं। बताते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, स्कैन में क्या आता है, वो सारी बातें आज मैं आपके साथ इस व्लॉग में करने वाली हूँ। चलो। सो गाइज, मैंने चेंज कर लिया है, टॉप एंड लेगिंग मैंने डाली है, पहन लिया है। पीयू को भी ड्रेस चेंज करा लिया है। हाँ, वो आई वही पहने रहूँगा। ओके गाइस, तो हम मैं यहाँ पे निकल गई हूँ ऑटो से। पहले वर्मा जी बोल रहे थे कि वो आएंगे मुझे पिक करने के लिए, बट लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पीहू के साथ ही निकल जाती हूँ, पहुँचती हूँ मैं और वो डायरेक्ट उधर ही आ जाएंगे डॉक्टर के पास ही, उधर नर्सिंग होम में। सो वही है, तो चलो पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आज मेरा ये जो स्कैन हो रहा है, ये दोबारा हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूर नहीं है, आ गया है। हाय गाइस, तो अभी यहाँ पे व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ अमेजोन का जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो शेयर करने जा रही हूँ। अभी अमेजोन पे सेल चल रही है जो कि 1 से 6 तारीख है, वार्डरोब रिफ्रेश सेल है। इसमें आपको 50 से 80% ऑफ मिलेगा एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये जूप का बैग है जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह दी हुई है। इसकी जिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देखिए। और ये मेरे हस्बैंड के लिए है, ये वो लेके जाएंगे ऑफिस। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स मंगवाई हैं, दिखाती हूँ मैं आपको ओपन करके। ये देखिए, ये है, ये इस तरह से आप अपने बालों में, इस तरह से आप अपने बालों में यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से पैकेजिंग में आए हैं, तो आपको दिखाऊंगी पीहू को भी हेयर स्टाइल करके। सो ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया है मामा अर्थ का डेली ग्लो फेस क्रीम जो कि विटामिन सी की है, काफ़ी अच्छी है गर्मियों में लगाने के लिए। सो ये हो गया स्किन केयर का प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया है, सूट मंगवाया है। अच्छा, मैंने जो इसका पिक्चर में आपको जो मैं फोटो दिखा रही हूँ, ये मैंने पीस मंगवाया था, बट ये मुझे गलत रिसीव हुआ है, मैंने इसको रिटर्न डाला है। और जब ये रिटर्न एक्सचेंज होकर के आएगा तो मैं आपको दूसरा इसका पीस दिखाऊंगी। ये भी काफ़ी अच्छा है, बट मैंने कॉटन का मंगवाया था गर्मियों के हिसाब से सूट पीस, तो वो नहीं आ पाया है, तो ये मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड सिल्क का सूट मंगवाया है, बनारसी सूट है, ये बहुत प्यारा है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा, काफ़ी अच्छा है और ये एकदम पार्टी वेयर सूट है। जब आप इसको कहीं पहन के जाएंगे वेयर करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये हो गया। एंड इसके साथ का जो बॉटम है वो प्लेन मैरून है, और कुर्ता जो है वो पूरा बनारसी टच जो नहीं होता है वैसा है। ये देखिए, लाइट में मैं आपको डे लाइट में दिखा रही हूँ, ये जब ये बन करके आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो मेरा ये हो गया नेक्स्ट पीस। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, सिल्स प्रोफेशनल का वाइट काजल, प्योर वाइट काजल है। ये देखिए, ये है, मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से वाइट काजल काफ़ी अच्छा लगता है, लगाने पे आईज बड़ी बड़ी सी लगती हैं। सो ये हो गया मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, चेकआउट करना मत भूलिएगा, सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। वार्डरोब रिफ्रेश सेल है, बहुत बड़ी सेल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छे रेंज में मिल जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो
15 मिनट बाद फिर से होगा क्योंकि फेस का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। फेस का अभी मतलब वो देख रही थी और बता रही थी। तो यहाँ पे मेरा स्कैन चल रहा था बट बेबी का जो फेस है वो क्लियर नहीं सामने आ रहा था, उस बार बार हाथ आगे आ जा रहा था तो इसलिए मुझे ब्रेक दिया था बीच में। तो गाइस हमारा स्कैन जो है वो हो चुका है और आज हम लोगों ने बेबी को अच्छे से देखा। देखा आपने कैसा लगा? मुंह खोल रहा था बच्चा, यॉन कर रहा था और पीयू को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट था ना, इसलिए तो वो बोल रही थी काला काला बच्चा दिख रहा है। और फेस बार बार फेस के आगे बेबी अपना हैंड ले आ रहा था तो पता ही नहीं, और पैर दोनों लेके। हाँ तो पूरा बार बार डॉक्टर अच्छे से ट्राई कर रही थी दिखाने का बट नहीं हो पा रहा था तो मैं उन्होंने बोला ठीक है अभी नेक्स्ट टाइम जब होगा तो एक बार हम और देखेंगे। बाकी देख लिया है हाथ नाक आँख मुंह सब कुछ, लिप्स फिंगर्स भी दिखाए डॉक्टर ने तो अच्छे से स्कैन हो गया है। लिप्स भी देखिए। हाँ लिप्स देखे तुमने? हाँ दो बोले ना कि ये मुंह ऐसे खुला था जब तभी। नहीं वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा था। और अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है, वर्मा जी भी आए हैं लंच करने, आज वो टिफिन लेके नहीं गए थे। चलो खाना गर्म करते हैं फिर ऑफिस जाना है। ओके गाइस वेलकम बैक, शाम के 6:15 बज रहे हैं एंड मैं आने के बाद आपसे डायरेक्ट अब शाम को मिल रही हूँ। हम लोग आ गए थे 3:05 पे आ गए थे, फिर उसके बाद भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, खाना वाना खाया हमने और फिर खाना खाने के बाद वर्मा जी ऑफिस चले गए भागते भागते, उनको ऑफिस जाना था और वो पहले बोल रहे थे कि वो मुझे पिक करने आएंगे लेने आएंगे फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। बट मैंने कहा आप उधर ही डायरेक्ट पहुँचो मैं इधर से पहुँचती हूँ, तो हम और पीहू मतलब मैं पीहू दोनों लोग चले गए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी जैसा कि मैंने आपको मतलब स्कैन किया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मैंने आपके साथ पहला इतना स्कैन शेयर किया है और इसके पहले भी मेरा एक एनोमली स्कैन हो चुका था, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम निकली थी एक्चुअली उसमें ना पानी कम आया था पहले वाले स्कैन में, तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्कैन हमें फिर से कराना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको सच बताऊं जो उसके पहले स्कैन हुआ था ना मेरा एनोमली स्कैन, उस पे डॉक्टर ने मुझे कुछ भी क्लियर नहीं किया था, कुछ भी बताया ही नहीं था और ये सीधे कह दिया कि वो कम है, पानी कम है ऐसा करके, जिससे कि स्कैन। इनका फ़ोन आ रहा है मिस्टर वर्मा का, एक सेकंड रुकिए। ओके गाइस तो हाँ वर्मा जी का फ़ोन आ गया था। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि ये स्कैन मेरा जो है पहले हो चुका था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो डॉक्टर देख नहीं पा रहे थे कि क्या मतलब, थोड़ा सा उसमें वाटर जो कम आया था उसकी वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं समझ में आ रही थी उनको, तो उसकी वजह से इन डॉक्टर ने मुझे दोबारा से ये स्कैन बोला था इनॉर्मली स्कैन कराने को, जो कि मेरा आज हो गया है। तो उस स्कैन में भी थोड़ा सा जो ये फ्लूड है वो कम आया है, वाटर जो है वो कम है, बट डॉक्टर ने कहा इतना डरने की बात नहीं है, पर मैं सच में बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, कोई ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मतलब पता नहीं मेरे को ना बहुत डर लगता है क्योंकि इसके पहले मेरे साथ अभी अगर आप मेरे पहले के व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या था मतलब हो गया था प्रॉब्लम तो आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि सब कुछ ठीक है ना, ठीक होना चाहिए, बेबी ठीक होना चाहिए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो तबीयत मतलब बहुत वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है मुझे, हाथ पैरों में मेरे बहुत दर्द रहता है, पैरों में हील्स में बहुत दर्द रहता है, तो वो सारी प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ और फिर मुझे समझ में भी नहीं आता है, टेंशन रहती है एक्चुअली, माइंड में बहुत टेंशन रहती है, फिर आप ब्लॉगिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना तो फिर आप इतना मतलब रेगुलर नहीं हो पाते हैं ब्लॉग में,
मेरे साथ ऐसे ही होता है। सो बस यही था, लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को प्रिपेयर करके बना व्लॉग किया और आपके साथ आज पहला स्कैन मैंने शेयर किया है। पहला नहीं कहेंगे, ये मेरा तो स्कैन पहला नहीं था, आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया वो मेरा 24 वीक्स का पहला स्कैन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होता है ये स्कैन जनरली 18 से 22 हफ्ते के बीच में है, बट मेरा ये 24 हफ्ते में हुआ है, हुआ था 22वें हफ्ते में भी हुआ था, बट वही प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने दोबारा फिर से बोल दिया था करने के लिए। फाइनली हो गया है, वेनसडे को इसकी रिपोर्ट मिलेगी, फिर से हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी तो हम स्कैन जहां नर्सिंग होम गए थे और फिर आगे क्या होता है वो आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोग अच्छी अच्छी विशेस दीजिए, बहुत जरूरी है, जरूरत है मुझे आपके विश की, आप लोगों के गुड विशेस की। तो चलो ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर, डिनर में आज बनाऊंगी मैं इडली सांभर। तो वर्मा जी का फोन आया था, मैंने उनको बोला कि आप डोसे का बैटर लेते आइएगा, मैं घर पर ही बना रही हूँ सांभर। तो यहाँ पे मैं दाल भिगो करके लौकी और बैंगन कट करके डाल दूंगी, 10 मिनट के बाद सीटी लगाऊंगी जिससे दाल थोड़ी सी भीग जाए। अभी 6:20 हो रहा है तो वर्मा जी 7 बजे तक आएंगे, तब तक मेरा ये ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, आज के व्लॉग में बस मैं यही शेयर किया मैंने, मिलती हूँ कल, बाय बाय।